मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे हैं। आज भी आप सोच रहे होंगे कि मैं जो मेरी ऐसी हो रही, हाँ गाइस, क्योंकि कल का कोल्ड अभी तक आँखों में है, कोल्ड आँखों में, तो क्यों ना कोल्ड की वजह से ना आँखें वो हो जाती है ना थोड़ी गर्म गर्म, तो इसकी वजह से मैं थोड़ी ढीली ढीली लग रही हूँ। तो लेकिन मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, आज मैं ब्रेकफास्ट में लाइट ले रही हूँ, तब फिर खाती हूँ कि चाय सन्नी बिस्कुट डोनट्स आप जन कीजिए करके मिलते कहीं मुझे एक बने। आज मैं आपके सामने एक नई चीज़ लेके आई हूँ, वो क्या कि आज ना हम कहीं गए थे ना, तो ना मेरे ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो क्या कि मैं जा रही थी, मेरी ना जो मैंने ध्यान नहीं दिया, एक रोड पे ना मोटरसाइकिल या कोई कार थी, तो मतलब मैं तो चल ही रही थी अपने हिसाब से, तो हाथ लगा इतनी जोर की मेरे हाथ ही पूरा मतलब वो जल्दी बजे पकड़ बजे ना, लोगों को कितनी स्पीड से जाना होता है, हमें पहले पहुँचना के चक्कर में ना हाथ ध्यान नहीं देते, हाथ पैर का हमें खुद को ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी खुद को रखनी चाहिए। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से यही मैसेज करती हूँ कि आप भी जब रोड पे निकले तो सेफ्टी से निकले, अपना बचाव खुद करें, अपनी सेफ्टी खुद करें, क्योंकि लोग हमें नहीं देखेंगे। तो बस मैंने यही मैसेज कहना था। तो मेरे को तो बड़ी जोर की लगी, तो मैंने कहा मैं आगे से ध्यान से चलूँगी, तो मुझे जल्दी जल्दी मिले ना तो मैं ध्यान नहीं दे पाई, तो कुछ नहीं होता, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, आप ये समझते होंगे। और साथ साथ मैंने आज एक और बात कह रही थी, मैंने ना नेल पेंट लगाया है, वो कौन से कलर की लगाई आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने कितना लाइट कलर लगाया है, आपको तो पता ही है डार्क कलर में हमेशा मैं पेस्टल कलर ही यूज़ करती हूँ। आपको पता है मैं काफ़ी जगह से ना नेल पेंट लगा नहीं रही थी, तो मेरे नेल एकदम ना टूट ही जा रहे थे। तो नेल की ग्रोथ के लिए दो कारण से बढ़ते हैं, एक तो नींबू और करने चाहिए इस पर, और साथ साथ दूसरी ओर इसमें लाइट कलर की नेल पे मतलब लाइट नहीं कोई भी नेल पे लगा सकती है, उससे बढ़ जाते हैं। और मैंने रिंग भी पहनी है, आपने देखी होगी, तो मुझे रिंग्स का शौक है, लेकिन अभी मैंने बहुत दिनों बाद पहनी है अभी रिंग, तो आप समझ सकते हो गए। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ ये, तो आगे की जो भी अपडेट होगी इसके लिए बने रहिएगा आप भी। आज क्या दाल मैं तो दाल बता दी, कौन सी दाल है वो आपको उसी टाइम पता चलेगा डिनर में, तब तक के लिए बने रहो मम्मी, आगे की जो अपडेट होगी आपको बता देंगे। आज मेरी फेवरेट दाल बनी है, बाकी दाल सरसों की दाल होती है ये, और साथ में चपातीज है, आप यकीन कीजिए मेरी फेवरेट टेस्टी दाल, तो मैं भी खाती हूँ, कार्यक्रम जो मिलते हैं कहीं मजा आएगा बने रहो मम्मी। कंट्री का उत्तर हो गया है, तो आपसे एक बात करने वाली हूँ मैं कि वो मैं आज मैं इयर रिंग लेके आई थी, तो मैंने सोचा वेयर कर लेती हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाती हूँ कि कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो प्रिटी लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस इसी के साथ ब्लॉग का एंड होता है, तो मेरी बात ये थी कि मेरे ब्लॉग को जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग नहीं देखी तो वो जरूर देख लीजिएगा, आने वाले ब्लॉग खास होंगे उन्हें भी देखिएगा, मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, मेरे ब्लॉग्स भी देखिए क्योंकि बाबा जी का सपोर्ट, बाबा जी की बहस भी आपका सपोर्ट में आगे तक लेके जाएगा, तो प्लीज़ प्लीज़ देखिए, और मैं शॉर्ट्स में उन्हें भी देखिए, आजकल व्यूज़ बिल्कुल कम आ रहे, प्लीज़ देखिए गाइस, और रील्स भी देखिए, इंस्टा मेरा नाम है इंद्रदीप कौर, इंद्रदीप कौर का सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, और जो कुछ पूछना होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ब्लॉग का एंड हो गया, बाय, गुड नाइट।